बात मतलब ये रही कि मेरा पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं था, और मेरे पिताजी मुझसे कहते भी थे शुरू से कि पढ़ के कोई कुछ कर नहीं पाया जी। कितनी ये मार्मिक बात है, इसको चौराहों पे लिख देना चाहिए जी। तो उन्होंने मुझसे वो हमेशा कहते थे, इसी बात पे मतलब मेरी माता पिता जी में बड़ा हमेशा से तनाव भी रहा। एक बार तो डाइवोर्स की भी नौबत आ गई कि हम नहीं रहेंगे अपने लड़कियों को लेकर। इस देश के लोग परेशान है, नौकरी दिला दो भैया, नौकरी दिला दो, नौकरी दो, नौकरी नहीं मिल रही है भैया। इस देश में शिक्षा का बस एक ही उद्देश्य है, नौकर बनाना, नौकर। और इतने खुश है इस देश के लोग नौकर बन के। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, बोस साहब ने भी की, रिजाइन कर दिया। हमारे एक मित्र है लखनऊ में, वो डीएसपी थे एमपी में, रिजाइन करके चला है, बिजनेस शुरू किया, आजकल लखनऊ में होटल्स के मालिक हैं, रेस्टोरेंट्स, बियर बार। शिक्षा का उद्देश्य है जागृत करना, दिमाग को जिंदा करना। जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। दो ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। उत्साह जो है मोटिवेशन सुनकर नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत दो है, एक शारीरिक, एक मानसिक। यार तुम लोगों को बीरबल वाली समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। अकबर ने उससे कहा कि बीरबल, कल मैंने एक सपना देखा। बीरबल ने कहा कौन सा सरकार? बोले मैंने देखा कि मैं एक शहद की बाल्टी में गिर गया और तुम एक गंदे नाले में। बीरबल ने कहा बहुत अच्छा सरकार, आप राजा हैं, कुछ भी देख सकते हैं। सरकार हमने भी एक सपना देखा कल। अकबर ने कहा तुमने कौन सा देखा? उसने कहा सरकार मैंने देखा आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। हमरा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंची आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते और किसी आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम ससुरे 107 करोड़ दो, चाहे चांद सूरज उठा के पृथ्वी पर रख, ऊंची आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। वैसे भी इस दुनिया में हराम का कुछ भी नहीं होता, होता ही नहीं, पर जिनके दिमाग मरे हुए हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। तुमसे किसी दोस्त ने कहा चलो गोवा घूम के आते हैं, तुमने कहा यार पैसा नहीं। अरे उसमें भाई यार टॉकिंग अबाउट मनी, डियर फ्रेंड्स, दोस्ती में तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैं दूंगा तुमको। लगा यार बड़ा अच्छा मुर्गा मिला यार, पैसा इसका और गोवा में मस्ती करूंगा, ले गया तुमको। तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपया खर्चा किया 4 दिन में, पर वो 4 दिन 24 घंटे गए, उसकी कीमत कौन देगा? तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है, पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। जब भी कोई तुम्हें लगातार खिलाए उससे बच कर रहना, किसी दिन किडनी ले जाएगा तुम्हारी। आपको डिसाइड करना है सर, रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो, चाहे हंसने की डाल। लेकिन जहां बल बढ़ेगा शरीर का और मन का, गोल अपने आप सुनिश्चित होगा, उसकी टेंशन ही मत लो। शक्ति से कॉन्फिडेंस पैदा होती है। जंगल में देखो गैंडा टहला, हाथी टहला, शेर टहला, कोई डर नहीं, शक्ति है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी, कॉन्फिडेंस पैदा होता है शक्ति से। तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है शक्ति से, शक्ति पैदा होती है ध्यान और योग से, और शक्ति से सुनिश्चित होता है गोल। तो लक्ष्य को अगर पाना है तो शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30 में, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया, टीचर ने पकड़ ली और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड है। मैंने कहा इसकी बस एक गलती, सॉरी पापा, मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए, जब बेईमानी ही कर रहे हो। तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। भाई यूपी में इतना जातिवाद क्यों है? क्योंकि अभी भी समाज आधुनिक नहीं है, अभी भी अर्थव्यवस्था आधुनिक नहीं है। तो जब अर्थव्यवस्था आधुनिक नहीं है तो समाज कैसे आधुनिक हो जाएगा? इसलिए गांव में जब लड़की जींस टी शर्ट पहन के जाती है तो सब उसको देखते हैं, लेकिन मुंबई में कोई नहीं देखेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था आधुनिक है। तो जहां अर्थव्यवस्था आधुनिक है वहां समाज आधुनिक तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब अफगानिस्तान की औरत के लिए संभव है मिनी स्कर्ट पहन के टहले? संभव नहीं है, लेकिन जर्मनी में संभव है। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है
कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है? इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है। जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर पे बैठे, तू भी बैठ। अब जो आदमी बैटल फील्ड में हाथी पे बैठा उस पर निशाना लगाना कितना आसान है। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हिमू हाथी बैठा हुआ है। इन विदेशियों को भारतीयों को हराने में टाइम नहीं लगा। राजतंत्र में और चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। ये हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं, सुबह शाम ढोल कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, बढ़िया वाली एक्स एक्स का डीओ लगा के बाहर निकलने इसे इसे करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ताकत की पूजा होती है। तुम ब्लैक आदमियों के साथ व्हाइट औरतें देखोगे, लेकिन व्हाइट औरतों के साथ व्हाइट आदमियों के साथ ब्लैक औरत नहीं देखोगे। जहां शक्ति है वहीं कॉन्फिडेंस है, और कोई तरीका नहीं कॉन्फिडेंस पैदा करने का। मोटिवेशन तो नशा है, 4 घंटे रहेगा उतर जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर पैदा करना है तो शक्ति पैदा करो, शरीर की और मन की। मुझे कुछ चीजें पता चल गई हैं दुनिया में, उसमें से एक चीज ये पता चली है कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और कोई नियम ही नहीं है, है ही नहीं। इसीलिए राम ने अपने बेटे को जंगल भेज दिया, यही वजह थी, और कोई वजह थोड़ी थी। जंगल में ऐसा थोड़ी जंगल में गए छोड़ आए, आश्रम में थे, महल में जन्म नहीं हुआ। तो तुम तो वैसे ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारे बहुत सारे लोगों का महल में वैसे ही जन्म नहीं हुआ। राम के पास महल होते हुए उन्होंने अपने बच्चों का जन्म महल में नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता है कि जिसका भी जन्म महल में होगा वो ज्यादातर लोग सुख सुविधाओं में बचपन से इतना डूब जाते हैं। मैं 3 दिन से एसी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें क्लास लेना है। हमारे बड़े सारे मित्र है एसी नहीं है, नॉट ए क्लास चले गए। हमें कुछ चीजें जीवन में समझ में आ गई, वही मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ। मैं पढ़ाने वाला ना थोड़ी चाहता हूँ यार, ये सब तो किताब में लिखा है।